हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये अभी हम को जो सुनवाया, ये सक्सेस क्राइटेरिया था हमारा 3.2.4, क्या था? 3.2.4 3.2.4 क्या नाम है? कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन. कल हमने क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंट नेविगेशन. आज क्या पढ़ा है? कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन. तो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग 3.2.4 CONSISTENTIDENTIFICATION. ठीक है. अब इसमें क्या कहा गया, मैंने आपको बताया था, लेफ्ट पेरेंट लेवल ए राइट पेरेंट. और सक्सेस क्राइटेरियाज में बताया है सब. ये ऐसी ही बात कही कल भी, बताई ऐसी List बात. of what item elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot for example comma a search box at the top of the site should always be spelling error labeled the same way. Dot ठीक है. देखो, कल जो कहा गया था वो कंसिस्टेंट नेविगेशन कहा गया था, ताकि कंसिस्टेंट रहे नेविगेशन. क्या कहा गया था कि नेविगेशन लिंक दैट आर रिपीटेड ऑन वेब पेजेस डू नॉट चेंज ऑर्डर व्हेन नेविगेटिंग थ्रू द साइट. कि अगर हम किसी साइट पर, कोई भी जो नेविगेशन हमारा प्राइमरी जो रहता है, उसका जो ऑर्डर है वही रहना चाहिए, हर पेज पे चेंज नहीं होना चाहिए. अब क्या है ये सक्सेस क्राइटेरिया? ये भी कुछ ऐसा ही है. कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन 3.2.4, अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल, प्रेडिक्टेबल गाइडलाइन, और उसका फोर्थ सक्सेस क्राइटेरिया क्या कहते हैं कि एलिमेंट हैव द सेम फंक्शनैलिटी आर कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई. जो एलिमेंट जिस जगह पर, अगर किसी पेज पर फिक्स है, वो वहीं पर वही आना चाहिए. कल कहता है ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए. ये इनका क्या है कि जो एलिमेंट फंक्शनलिटी, जिन एलिमेंट की फंक्शनलिटी जहाँ फिक्स है, वही वैसी ही फंक्शनलिटी करें, उसका भी वो भी क्या है, आइडेंटिफाई होना चाहिए. उनका भी ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. थोड़ा थोड़ा सेम ऐसा है, लेकिन बात दोनों के लगी है. वहाँ चेंज ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए नेविगेशन लिंक्स का. यहाँ क्या है, द एलिमेंट सेम हैव द फंक्शनलिटी. Elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot. एलिमेंट दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी. क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, वेब पेज एलिमेंट, दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी. उस फंक्शनलिटी की, उस एलिमेंट की फंक्शनलिटी क्या है वो हमें पता है. और दैट एलिमेंट एलिमेंट दैट एलिमेंट हैव सेम फंक्शनलिटी, मतलब कोई भी उस पेज पर वही एलिमेंट है, तो उसकी हर पेज पर फंक्शनलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि आर कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई होनी चाहिए लगातार. कंसिस्टेंट माने लगातार. तो उसका क्या है कि वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट खोली और उसके एक पेज पर सर्च बॉक्स, सर्च करते हैं ना कुछ वेबसाइट में, मान लो उस वेबसाइट पे कोई एडिट फील्ड देते हैं, सर्च फील्ड को सर्च करना है, तो वो क्या है, सर्च बॉक्स की फंक्शनलिटी क्या है? हमें पता है कि सर्च के लिए, कि हमें कुछ सर्च करना है, तो वो हर वेब पेज पे अगर सर्च करने के जो एलिमेंट है, सर्च एलिमेंट है, उसकी जो फंक्शनलिटी है वो हर पेज पर उसी जगह पर सेम होनी चाहिए. एलिमेंट दैट हैव द सेम फंक्शन, मतलब जो सर्च बॉक्स, जैसे क्या है, एलिमेंट दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी. जो भी वेब पेज पर एलिमेंट है, अगर उसकी फंक्शनलिटी, कल तो क्या था कि एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए जो नेविगेशन लिंक है, लेकिन ये कोई भी एलिमेंट जिसकी फंक्शनलिटी हर पेज पर सेम रहनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आर कंसिस्टेंटली, यानी लगातार, कंसिस्टेंट माने लगातार, वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए. किस तरह? कि जैसे कि कोई सर्च बॉक्स है, हमें पता है ये सर्च बॉक्स सर्च का काम करेगा इस वेबसाइट पर, तो वो जिस पेज पर भी है ना, जिस जगह पर, वो अगले पेज पे भी वो सर्च की जो फंक्शनलिटी है
वो उसी प्लेस पे रहनी चाहिए, और जैसे इस पेज बिहेव कर रही है सर्च फंक्शनलिटी सर्च बॉक्स की, वैसे ही उस पेज पर भी बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 लाइन के बाद सर्च बॉक्स दे दिया, अगले पेज पर जो है थोड़ा बिल्कुल अपर दे दिया, उससे अगले पेज पर कहीं किसी पेज पर वेब पेज पर कहीं पे बीच में दे दिया कहीं नीचे, नहीं। अगर यहाँ 4 लाइन के बाद है सर्च बॉक्स फंक्शनलिटी, तो हर पेज पर 4 लाइन के बाद ही होनी चाहिए। दैट एलिमेंट दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी आर कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई। क्या कह रहे हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल सर्च बॉक्स टॉप ऑफ द साइट, टॉप पर है साइट के तो वो टॉप पे होना चाहिए, आर लेबल इन सेम वे। सुन लो अब आप एक बार और। List of one item elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot four. अब क्या, अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस बात आ गई ना। Example comma, a search box at the top of the site should always be spelling error labeled the same way. Dot. Should always be thus label in same way. Dot. Elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot four. List elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot four. क्या, एलिमेंट दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस आर कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई। हर वेब पेज पर वो कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, example comma, a search box at the top of the site should always be spelling error labeled the same way dot. एट द टॉप ऑफ साइट, अगर एग्जाम्पल कॉमा अ सर्च बॉक्स एट द टॉप ऑफ साइट, अगर वो साइट के टॉप पर है तो शुड ऑलवेज बी लेबल इन सेम वे। Elements that have the same functionality across multiple web pages are consistently identified. Dot four. Example comma, a search box at the top of the site should always be spelling error labeled the same way. Dot. Should always be label the same way. तो ये आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे खुद भी पढ़िए, जो बताती हूँ उसको सुनिए ध्यान से, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा।